आपका स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है डिडक्टर की, जो टीडीएस काटता है। लेकिन बहुत लोग इस वाले कंप्लाइंसेस को नहीं करते और कभी भी उन्हें पेनल्टी आ सकती है सेक्शन 272A में। सर किस चीज की बात कर रहे हैं? भैया मैं बात कर रहा हूँ टीडीएस सर्टिफिकेट निकालने की। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न को फाइल तो करते हैं लेकिन कभी भी टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं निकालते। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्या आप टीडीएस सर्टिफिकेट प्रिंट कर रहे हो रेगुलरली? सर नहीं कर रहे। सर क्यों नहीं कर रहे? सर जिनका हमने टीडीएस काटा है ना, कोई हमसे टीडीएस सर्टिफिकेट मांगता ही नहीं है। जब हमसे कोई टीडीएस सर्टिफिकेट मांगता नहीं है तो हम टीडीएस सर्टिफिकेट निकाले क्यों? हमने टीडीएस रिटर्न फाइल कर दी, सामने वाले के 26S में चला गया, हमारा काम खत्म। नहीं भाई, अगर आप इनकम टैक्स का सेक्शन 272A पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जैसे ही आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न फाइल करने के बाद आपको 15 दिनों के अंदर टीडीएस सर्टिफिकेट निकाल कर देने हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। और इवन अगर आपने कभी टीडीएस की रिटर्न रिवाइज करी तो रिवाइज करने के बाद दोबारा टीडीएस सर्टिफिकेट निकाल ले। अच्छा सर ये टीडीएस सर्टिफिकेट निकालने कैसे ये बता दो, क्या इसकी कोई फीस लगती है? आंसर इज नो, इसकी कोई फीस नहीं लगती। आपको ट्रेसिस की साइट पर जाना है। सर ट्रेसिस की साइट पर जाकर आप लॉग इन कर लोगे। तो जैसे हमने किसी क्लाइंट का लॉग इन कर लिया, लॉग इन करना बड़ा सिंपल है। आपका एक यूजर आईडी होगा, आपका एक पासवर्ड होगा, आपका एक 10 नंबर होगा, ठीक है ना। वहां से आपको लॉग इन कर लेना है। आपको लॉग इन करने के बाद, अगर आपने अभी तक लॉग इन नहीं बनाया है तो आप उसका लॉग इन बना लेना। लॉग इन करने के बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा कि भाई ये आपका ट्रेसिस पे लॉगिन है। इसके बाद करोगे क्या, यहाँ पर डाउनलोड्स में जाना। तो जैसे ही आप डाउनलोड्स में जाते हो तो आपको दो चीज दिखेगी, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A। तो अगर आपने किसी का सैलरी पर टीडीएस काटा है तो आपको फॉर्म 16 इशू करना होता है साल में एक बार। कैसे करना होता है? साल में एक बार। लेकिन अगर आपने अदर देन सैलरी किसी का टीडीएस काटा है तो आपको हर 3 महीने में अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करके टीडीएस सर्टिफिकेट निकालना है। तो यहाँ पर आप किस पर जाओगे, फॉर्म 16A पर। किस पर जाओगे? फॉर्म 16A पर। सर फॉर्म 16A पर जाने के बाद आपको क्या करना है? अब वो कह रहा है कि अगर आपको किसी एक पैन नंबर का टीडीएस सर्टिफिकेट निकालना है तो ऊपर से निकाल लो। भैया हमने तो जितनी रिटर्न फाइल करी है, जितने लोगों की फाइल करी है सबका हमारे को टीडीएस सर्टिफिकेट निकालना है। तो हमने यहाँ पर क्लिक करा फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पर 23-24। तो जैसे ही मैंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 करा तो यहाँ पर मेरे को चारों क्वार्टर दिखा रहा है कि आपको कौन से क्वार्टर का टीडीएस सर्टिफिकेट निकालना है। मैंने क्वार्टर 3 पे क्लिक करा। अब ये यहाँ पर आपसे फॉर्म टाइप पूछेगा कि भाई आपको टीडीएस सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म का निकालना है। तो मैंने कहा जी 26Q का निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये कहता है कि भैया देखो अब टीडीएस सर्टिफिकेट तुम निकाल लो, हम तो तुम्हें जानते नहीं, क्या पता तुम्हारे को यूजर आईडी पासवर्ड कंपनी का कहीं से हाथ लग गया, तुम टीडीएस सर्टिफिकेट निकाल लो, तो हम आ रहे को तुम्हारी वेरिफिकेशन चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, सागर जैन है, तो हमने कहा हाँ जी हम टीडीएस सर्टिफिकेट निकाल ले। अब ये कहता नहीं नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप या तो डिजिटल सिग्नेचर लगाओ जिससे कि हम आपको जान जाए कि आप ही हो, नहीं तो आपको ना कुछ डिटेल्स हमारे को देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कई बार अगर आप डिजिटल सिग्नेचर लगाते हो तो कई बार एरर आ जाती है, तो आप टीडीएस सर्टिफिकेट निकालते नहीं। लेकिन आपको डरना नहीं है, अगर आप पे डिजिटल सिग्नेचर है तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर लगा दो और वैलिडेट डीएससी कर दो, आगे चले जाओ। सर हम पे नहीं है डीएससी, हम क्या करें? भैया तुम नॉर्मल केवाईसी वैलिडेशन में चले जाओ। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेसेस की साइड ये चेक करना चाहती है कि जो व्यक्ति टीडीएस सर्टिफिकेट निकाल रहा है वो जेन्युइन पर्सन है भी या नहीं। हमने इसे प्रोसीड कर दिया। जब हम यहां पर इसे प्रोसीड कर देंगे, तो अगर आपकी पहले से रिक्वेस्ट जा रखी होगी तो ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा से रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। इस वाले क्वार्टर की हमारी पहले से रिक्वेस्ट जा रखी है। सर हमें कैसे पता चलेगा? आप यहां पर रिक्वेस्टेड डाउनलोड पर जाओगे और यहां पर जब व्यू ऑल करोगे तो आप देखोगे कि क्वार्टर 3 की रिक्वेस्ट सबमिट हो रखी है। तो अब हमने क्वार्टर 3 की तो रिक्वेस्ट कर रखी थी, अब हमारे को क्या करना है, क्वार्टर 2 की करनी है। तो हम गए फॉर्म 16A पर और यहां पर फाइनेंशियल ईयर 23-24
और यहाँ पर क्वार्टर 2 करा और यहाँ पर फॉर्म टाइप 26Q। तो जैसे हमने इसे सबमिट करा, सबमिट करने के बाद हमने कहा भैया हमें नॉर्मल KYC से जाना है। अब यहाँ पर तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। सर हमारा काम क्या बढ़ जाएगा? तुम्हारा काम भैया ये बढ़ जाएगा कि तुमने जो क्वार्टर 2 की रिटर्न फाइल करी होगी, जो तुमने क्वार्टर 2 की रिटर्न फाइल करी होगी, आपको उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। सर क्या क्या डिटेल डालनी पड़ेगी? जब आप क्वार्टर 2 की रिटर्न आप फाइल करते हो तो वहां पर जब आपने कोई भी रिटर्न फाइल करी है तो वहां पर आपको क्या मिल रही होगी? एक डिटेल। आप जब एक रिटर्न सबमिट करते हैं तो वहां पर आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आईडी आती है कि भाई हमारी रिटर्न फाइल हो गई। हम उसे टोकन नंबर भी बोलते हैं या प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको वो टोकन नंबर डालना पड़ेगा। सर ये टोकन नंबर कहां से मिलेगा? भैया जब तुमने क्वार्टर 2 की रिटर्न फाइल करी होगी तो आपको एक रिसीविंग मिली होगी। चाहे आपने इनकम टैक्स की साइट से सबमिट करी, चाहे आपने NSDL से सबमिट करी, तो इस तरह का आपके पास एक टोकन नंबर होगा। अपनी फाइल में इसे रेडी रखिएगा। चलिए सर हमने ये रेडी रख लिया। अब खाली बात यहां से नहीं पूरी हो जाती। अब ये कहता नहीं भैया इस रिटर्न के अंदर आपने चलान की डिटेल तो डाली होगी। हमने हाँ जी, जब रिटर्न फाइल करी है तो चलान की डिटेल तो डाली होगी। कह रहे आप उसमें से कोई एक चलान उठाओ, आप उस रिटर्न्स में से कोई एक चलान उठाओ और उसकी पूरी डिटेल डालो। मैंने कहा क्या क्या पूरी डिटेल डालू? कह रहे भैया उस चलान का BSR कोड दो। मैंने कहा भैया तुम क्या इतनी सारी डिटेल क्यों मांग रहे हो? कह रहे भैया नहीं, हमारा तो ये प्रोसेस है, आपको ये सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। सर इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अरे तुम्हें करना क्या है? ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने किसी ऑफिस स्टाफ को ये सारी डिटेल बता देना और कह देना भैया पूरे साल के TDS सर्टिफिकेट निकाल दो। एक बार आपको बताना पड़ेगा क्या क्या डिटेल। BSR कोड नंबर, जिस दिन आपने चलान जमा करा उसकी डेट, चलान का सीरियल नंबर और चलान का अमाउंट, ये चीज आपको यहाँ पर डालनी है। सर ठीक है, हमने ये डिटेल डाल दी, अब तो कुछ नहीं मांगेगा? नहीं, ये जो चलान की डिटेल डाली इसके अंदर तुमने TDS तो जमा कराया होगा किसी का? हाँ सर TDS तो जमा कराया है। अब आपको उसका पैन नंबर और उसका कितना TDS जमा कराया ये भी डिटेल डालनी है। सर ये तो कुछ ज्यादा डिटेल नहीं मांग रहा। बस अब ये इसके बाद और कोई डिटेल नहीं मानेगा। ठीक है, हमने यहां पर क्या करा उसका, ठीक है ना, जो भी पैन नंबर था वो डाल दिया और उस पैन नंबर पर कितना TDS कटा वो डाल दिया। तो यहां पर कितने डालने? अगर तुम्हारी TDS रिटर्न में 3 से ज्यादा चलान है तो 3 चलान की डिटेल डाल दोगे, तुम्हारा काम खत्म। और सर अगर 3 से कम है, मेरी में तो एक ही चलान डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो हमने ये डिटेल डाल दी, अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रोसीड। अब ये कह रहा भैया 3 चलान डालते थे, तुम तो 2 ही डाल लो। हमने कहा कोई बात नहीं भैया, तुम्हारे पास 2 ही है। ओके कर दिया और इसे क्या कर दिया, प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन। तो जैसे ही आप यहां पर इसे सबमिट कर देते हो, जैसे ही आप इसे यहां पर सबमिट कर देते हो तो आपकी TDS की जो रिक्वेस्ट है सर्टिफिकेट की वो चली गई। अब सर इसे डाउनलोड कैसे करेंगे? आपको जाना है रिक्वेस्टेड डाउनलोड पे जाके व्यू ऑल करना है। तो अभी दोनों का स्टेटस क्या रहा है? सबमिटेड। तो सर डाउनलोड कब करेंगे? भैया डाउनलोड तुम तब करोगे जब यहां पर डिटेल आ जाएगी अवेलेबल। जब तक डिटेल अवेलेबल नहीं आएगी तब तक आप डाउनलोड नहीं कर सकते। सर डिटेल अवेलेबल कब तक आती है? भैया डिटेल अवेलेबल आधे घंटे में भी आ सकती है, 1 घंटे में भी आ सकती है, 2 घंटे में भी आ सकती है। तो जैसे ही डिटेल अवेलेबल आ जाएगी तब आप उसके बाद इसे डाउनलोड कर लोगे। सर एक बार दिखा दो। तो भैया इस वाले लॉगिन में तो मेरे पास डिटेल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैंने अभी एक दूसरी रिक्वेस्ट डाली थी, वहां से मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए अब हम इसे लॉग आउट कर लेते हैं। प्रेसिस पे लॉगिन कैसे करना है? अब आप यहां से देख सकते हो, यहां पर सिंपल आप क्या डालोगे, यूजर आईडी डालोगे, जो भी आपकी यूजर आईडी बनी होगी वो आप एक यूजर आईडी डालोगे। ठीक है, एक आपका पासवर्ड होगा, सिंपली पासवर्ड डालना है आपको। ठीक है जी, और इसके बाद जो 10 नंबर है वो डालना है। ठीक है, अब आपने लॉगिन कर लिया। तो हमने अभी तक क्या देखा था कि भाई हमारी जो रिक्वेस्टेड थी, जो हमने रिक्वेस्ट डाली थी वो हमारी किस पर आ गई,
ये अवेलेबल पर। अब जैसे ही आपके पास यहां पर जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट के बाद क्या आ जाएगा, अवेलेबल। कितनी देर में, आधे घंटे एक घंटे में आ जाएगा। अब जैसे मान लो क्वार्टर थ्री का आपको अवेलेबल दिखा रहा है, तो आप यहां पर जाएंगे HTTP डाउनलोड में क्लिक कर लेंगे। सर मैंने HTTP डाउनलोड क्लिक कर लिया और मेरे सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गए, लेकिन सर ये तो PDF में खुल ही नहीं रहे। अब मैं PDF में खोलने के लिए क्या करूं? भैया PDF में खोलने के लिए तुम्हें दोबारा से मेहनत करनी है। सर क्या मेहनत करनी है? ये आपके सर्टिफिकेट जो है ये आपके ZIP फाइल में डाउनलोड हो गए, लेकिन सर हमारे को तो PDF में निकालने, किसी को भेजने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्टेड डाउनलोड में जाकर यहां पर एक यूटिलिटी है, आपको ये यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। जब आप ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लोगे, ये यूटिलिटी, इसमें क्या कह रहा है, फॉर्म 16 पार्ट ए या फॉर्म 16 ए ट्रेसिस PDF कन्वर्टर, कि जो ट्रेसिस से तुमने फाइल डाउनलोड करी है ZIP फाइल, उसे PDF में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप ये यूटिलिटी डाउनलोड करके इसे ओपन करोगे, जैसे यूटिलिटी को डाउनलोड करके ओपन करोगे, तो ये यहां पर आपसे पूछेगा, ये यहां पर आपसे पूछेगा, सर क्या चीज पूछेगा, ये जर्नली आपसे पूछेगा कि भाई आपकी जो फाइल है उसकी लोकेशन क्या है और सर्टिफिकेट आपको किस लोकेशन पर चाहिए, और इसके बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेगा और आपके सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएंगे। समझे मेरी बात? तो TDS सर्टिफिकेट निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपको फिर भी कभी TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आए, तो आप हमारी टीम से WhatsApp करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अब आप TDS सर्टिफिकेट जरूर निकाल लेंगे। अगर आप अभी तक नहीं निकालते, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। पेनल्टी 272A एक बार आपको सेक्शन पढ़ना है। कितनी पेनल्टी है? 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी है। सर हम पे तो कभी लगी नहीं पेनल्टी। भाई नहीं लगी तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि नहीं लगेगी। लॉ में लिखी है तो पेनल्टी लग सकती है। तो अगर आपको ऐसे कंप्लाइंसेस करने हैं, तो आप हमारा अर्जुन कोर्स ले सकते हैं GST के लिए, एकलव्य कोर्स ले सकते हैं इनकम टैक्स के लिए, और हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि सारी डिटेल्स आपको मिल जाए। धन्यवाद।